हेलो जी, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। हां जी, तो भैया रिसेंट वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं हूं अभी श्री अयोध्या जी में। अयोध्या जी में अपन ने रामलला के दर्शन कर लिए और पूरा अयोध्या भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, और थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो भी अभी अपन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अपन जाने वाले हैं अभी गुप्तारघाट। गुप्तारघाट वो जगह है जहाँ पे की प्रभु श्री राम ने अपने आखिरी बार अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। उसके बाद प्रभु राम इस धरती को छोड़ के चले गए थे। चलते हैं उसी जगह पे, आपको वहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको कोई वैल्यू मिले, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख देना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो भैया वीडियो रिकमेंड नहीं होती। तो प्लीज इतना सा काम तो कर ही लेना यार। गुप्तारघाट जो है वो अयोध्या से, मतलब मेन जो प्रॉपर सिटी सेंटर है, उससे लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर है। वहां तक जाने के लिए आपको ऑटो या कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। वैसे तो ऑटो सस्ते मिल जाते हैं, बट अकेले हो और अभी इस प्रोग्राम के टाइम पे जा रहे हो, तो आपको 500 से 800 के बीच में ऑटो मिल जाएगा। अगर और मांगे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेना। ये भैया अपने सारथी जी, तो भैया ऑटो में बैठ चुके हैं जाने के लिए सीधा गुप्तारघाट। देख के आते हैं भैया आज के टाइम पे जगह कैसी है, सब कुछ आपको अच्छे से बताते हैं। ये है बड़े हनुमान जी का मंदिर। हाँ जी, तो भैया बड़ा हनुमान जी दर्शन करके आ चुके हैं, अभी चलते हैं अपन कार्ट पर। भैया क्या क्यूट सी कार्ट दिखी हमको, छोटी सी, ये बनाई हुई है किसी न किसी ने, या पता नहीं एक्चुअल कार है, आई डोंट नो, मस्त थी भैया। हाँ जी, तो भैया ऑटो की यात्रा करके अपन आ चुके हैं सरयू नदी पे। सरयू नदी का वो घाट जहाँ पर कि प्रभु श्री राम ने अपने अंतिम दर्शन दिए थे। यहाँ से प्रभु श्री राम सीधा वैकुंठ लोक की तरफ चले गए थे। इस घाट पे आने के बाद मुझे रामानंद सागर कृत की जो रामायण है, जो कि आपने मैंने सबने दूरदर्शन पे देखी है बचपन में, अपने अभी भी देखी थी उसे कोरोना के टाइम पे, उस रामायण का ना वो एक दृश्य याद आ गया कि जब राम भगवान जो है वैकुंठ लोक की ओर जा रहे होते हैं, पूरी अयोध्या नगरी वो उनके साथ में जाने की इच्छा जताते, तो वो सीन याद आ गया ना, वो दृश्य ऐसे आंखों में पूरा मेरे घूम रहा है, और ऐसे सोचते सोचते इतना अलग ही फील हुआ जा रहा ना यार, कि क्या बताऊं, मतलब बड़ा इमोशनल सा फील हो रहा है यहाँ आके मुझे। बाकी इस घाट पे आना, अयोध्या में आना, भैया कुछ ना कुछ पिछले जन्म के मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे, जिस वजह से शायद मैं यहाँ पे आ पाया। बाकी शायद अयोध्या जी में आना और भगवान के दर्शन करना इतना सब कुछ अच्छे से पॉसिबल नहीं है यार, मज़ा आ गया सीरियसली ना, मैं अंदर से इतना खुश हूँ ना, बता नहीं सकता। बाकी इस जगह पे आके भाई थोड़ा बहुत, मतलब आंखों में ऐसा लग रहा ना यार कि वो एक रामायण का वो सीन था ना भाई, बचपन में जब अपन रामायण देखते थे तब भगवान के जाते समय एक्चुअल में अपनी आंखों में आंसू आ जाते थे, फील होता था, तो यहाँ आके मुझे वैसा ही फील हो रहा है। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे आपको एक्सप्रेस करूँ, क्या बताऊँ मैं आपको। अभी हूँ मैं गुप्तारघाट से थोड़ा सा आगे अंदर की तरफ, नाव में बैठ के मैं उस जगह पे आया हूँ। बीच में एक छोटा सा टापू बन गया, पानी सूख गया है अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये टापू बारिश में तो पूरा डूबा हुआ रहता है, बट अभी बारिश का सीजन नहीं है, जनवरी चल रही है, तो उस वजह से सूख गया है। तो यहाँ तक आप आ सकते हो नाव में बैठ के, वहाँ भैया भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी तो सुकून नहीं मिल रहा था, तो यहाँ आया हूँ, यहाँ पे बताते हैं आपको। यहाँ से फिर चलेंगे अपन सीधा घाट पे दर्शन करने के लिए। घाट पे भगवान का मंदिर बना हुआ, उस मंदिर में चलेंगे, भगवान के दर्शन करके आएंगे। जय, भैया एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिख देना, जो आपकी इच्छा हो भगवान के लिए। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो मुझे भी अप्रिशिएट करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा हो लिख देना यार, प्लीज़ यार, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे ना तब तक चैनल रिकमेंड नहीं होता है, लोगों के पास जाता नहीं है, लिख देना, बाकी फिर आपकी इच्छा। भैया इतना क्लीन पानी है ना, और इतना प्यारा लग रहा है ये पूरा, ऐसे गहरा नहीं है, आप वहाँ तक जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरे में जा सकते हो, वहाँ तक तो चल सकते हो। वाइट वाइट ना फोग की वजह से इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। अरे भैया जी नहाने आए हैं, भैया हमने तो छींटे मार दिए ऊपर। अरे भैया एक निब्बा मेरे को यहाँ पर भी दिखा, अभी कोई ना कोई आके गया थोड़ी देर पहले ही। और ही भैया अपनी बोट चलते हैं, इसमें बैठते हैं और सीधा पहुँचते हैं फिर से घाट की तरफ।
जय श्री राम। तो भैया जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, सिर्फ सरयू नदी दिख रही है। ऐसा लग रहा है ना ओर है ना छोर है, क्योंकि ना फोग का वेदर हो रखा है, हल्का फुल्का फोग है। तो उस चक्कर में ऐसा लग रहा है ना पूरा क्षितिज जो भैया समुद्र जैसा लग रहा है, लग बड़ा खूबसूरत सा रहा यार। वो रहा पे गुप्तर घाट जहाँ से प्रभु श्री राम गए थे वैकुंठ लोक की तरफ, और बाकी इस तरफ आप देखो पूरा क्या ही सुंदर है ना। भैया जहां तक नजर जा रही है ना पूरा नदी ही दिख रही है और बड़ी सुंदर लग रही है ये। मंदिर है जहाँ पे भगवान राम अंतर्ध्यान हुए थे। चलिए एक बार तो दर्शन कर लेते हैं, बोल रहे हैं कि 12 बजे दर्शन बंद हो जाता है। जय श्री राम। यूं तो अयोध्या की हर गली में प्रभु श्री राम के होने का आभास होता है। हर जगह प्राचीन अयोध्या के कुछ न कुछ अवशेष दिख ही जाते हैं। यह है अयोध्या का गुप्तार घाट या गोप्रतार घाट। भगवान राम जब परम धाम को जाने लगे तो वह इसी घाट पर आए और अपने शरीर को गुप्त कर लिया, इसलिए इस घाट को गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट पर दर्शन और स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से कोई मन्नत लेकर आए तो वह जरूर पूरी होती है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी अपने चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाए और भगवान आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री राम। भैया ये पूरा रेत से बनाया है, किसी ने बड़ा सुंदर बनाया है। वैसे तो हर एक घाट का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है। इस घाट को वैसे कहीं पर तो गुप्तार घाट लिख रखा और बाकी गोप्रतार घाट इस जगह का नाम है। कहते हैं कि जब राम भगवान ने सरयू में समाधि ली थी तो अपने साथ में सभी अयोध्या वासियों को भी ले गए थे, क्योंकि भैया उनके जाने के बाद तो यहाँ पे कौन ही रहना चाहेगा।